नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं ईटी न्यूज भारत। आई नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। खबर यूपी के जालौन से है, जहां के उरई नगर क्षेत्र। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन के थाना 8 से आ रही, जहां पर दो चोरों को थाना 8 पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसका खुलासा आज कोसीओ ने किया है और दोनों अभियुक्तों को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। थाना 8 पुलिस ने दो अभियुक्तों को किया चोरी के मामले में गिरफ्तार। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार निरीक्षक एक द्वारा अपनी मेट्रोन के साथ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसमें नहर पुलिया इंगोई खुर्द के समीप दो बदमाश आते हुए दिखाई पड़े, तो उनको पकड़ा गया शक के आधार पर। तो पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि पूर्व में भी कई सारे अपराधों में लिप्त रहे हैं और जखौली में हुई 20, 19 और 23 जून की दरमियानी रात को उन्होंने चोरी भी करी थी, जिसके संदर्भ में एक मुकदमा पंचायत में बटा 23 धारा 380 और 457 में थाना एक पंजीकृत हुआ था। क्योंकि जब और सघन तलाशी ली गई तो इनके कब्जे से कुछ जेवरात और 11,500 रुपये बरामद। इसको इन्होंने अपने प्रस्ताव में बताया कि उसी के ही और मुकदमा थी के संदर्भ में इमारत है जिसको बेचने जा रहे हैं। इनको गिरफ्तार करके आगे की अगर विधि कार्रवाई है। ये गिरफ्तार होने वाले जो लोग हैं उनका नाम है अशोक पुत्र संतर दया, ये चंद्रसी थाना कटारा के रहने वाले हैं। पूर्व में इनके ऊपर 23 मुकदमे पंजीकृत हैं। दूसरा जो अपराधी है वो कमल सिंह कुशवाहा है, पुत्र ज्ञान सिंह निवासी जयवासीपुर थाना डकोर का है, इसके ऊपर पूर्व में 8 मुकदमे दर्ज। ये दोनों ही स्वाथिर अपराधी और ये अच्छी कामयाबी है थाना एडी का। तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और देखते रहे।